अभी इनविटेशन इस बिजनेस का सबसे बड़ा एक पॉइंट है। अपना बिजनेस में ना बहुत सारे लोग जो है वो लोग फोन ही नहीं उठाते। कल मैंने बात किया, वो बोला आज मिलेंगे, लेकिन आज फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका पीछे का वजह क्या है मालूम? प्रॉपर इनविटेशन हम देते नहीं। हम इनविटेशन के जगह पे ना प्रेजेंटेशन देते। अभी आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों ने कभी इनविटेशन दिया रहेगा? तुम मैडम आपने किया कभी किसी को इनवाइट किया? आपका स्माइल बहुत बढ़िया है मतलब आप ये बताना चाहते थे ना, मैं इनविटेशन स्माइल से ही शुरुआत करती हूँ, बराबर ना? नहीं आप मैडम इनका टीम में और कोई है? अच्छा आप थोड़ा सा सीनियर है ना, तो आप मतलब आप समझो इनको आपने कैसे इनविटेशन दिया, आप बताइए थोड़ा सा मतलब रिश्ते में है क्या? हाँ मतलब घर पे बुलाने के लिए आपने क्या बताया वो बताइए। मतलब आपका घर तक, आपका घर तक आने के लिए मतलब? अच्छा ओके, ऐसे ही बोले मैडम, झूठ मत बोलो आप तो ऐसा बोला तो आप गए, मतलब बिजनेस सांगितला तुम्ही गेले, तुम्हाला ऐसा काय तरी करायचे होते म्हणून, बराबर। अच्छा आपने किसी को इन्विटेशन दिया अभी तक? नहीं। अब कब से आप ये बिजनेस में? 3 महीना हो गया, अभी इन्विटेशन नहीं दिया अभी तक, लिस्ट नहीं बनाया, कोरोना मूल है। अच्छा अच्छा अच्छा, फोन पे बात किया रहेगा ना, तो क्या बोले थे? अब उसमें से कितने लोगों का रेस्पॉन्स आया आपका? कितने लोगों को बताया था आपने? 10 लोगों को बताया। ओके तो ये मैडम तो डेली एक एक मीटिंग करते हैं, आप क्या बताते वो बता दो, क्योंकि आपका इनविटेशन में बहुत ताकत है, क्योंकि आपकी वो मीटिंग सुनने के लिए लोग आते हैं ना, आपका प्रेजेंटेशन में लोग तो बैठते ना, तो आप क्या बताते हो वो बताइए। अभी इसकी मतलब क्या है? लेडीज लोगों का स्माइल ही काफी है यही हो रहा है ना इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। मैडम आपने किसी को इनविट किया? आपका नंबर है, आपको बोलने का है, अभी उनके पास आपके पास आऊंगा। हाँ अब क्या बताते हैं मैडम? नहीं इसमें ये क्या है ना, आप लोग अगर बताएंगे तो उसमें कुछ चेंज करना है कि नहीं ये मैं बता सकता हूँ। अच्छा नहीं नहीं वो बुलाया, ये आपके घर पे बुलाया उनके घर पे आप जाना है इससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन आप बुलाने के लिए क्या बोला है ये इम्पोर्टेंट है। नहीं क्या अभी समझ लो, आपका पड़ोसी है मैं, आपको मुझे बुलाना है तो बुलाइए। तो ये सब बताने के बाद में आपने प्लान देने के लिए इनको बुलाते हैं? अच्छा ये सब बताने के बाद में भी आप क्यों जाते हो? अभी आपने नया है, लेकिन आपने तो प्रेजेंटेशन पूरा दे दिया ना, आपको ऐसा ऐसा करने का, प्रोडक्ट बेचने का, ये सारे चीजें।
हाँ क्या होते मालूम है, एक्साइटमेंट के वजह से हम लोग ओपन करके बता देते हैं। हाँ होता है वो सामने वाला भी थोड़ा होशियार रहता है, काय कराचे काय नाव है कंपनी च नाव तरी सांग, काय प्रोडक्ट है थोड़ा तरी सांग, ये सारी चीज सामने वाला बोलते तो अपन बोलते अरे यार ये पूछ रहा है मतलब इसको करने का है, थोड़ा बता दो बता दो बता दो, ये सब बता देते। यानी इनविटेशन है ना, हमेशा इनविटेशन रहना चाहिए। इनविटेशन में प्रेजेंटेशन आ गया तो वहां पे फेल हो जाते। अभी देखो मेरे हाथ है, मैं पॉकेट में हाथ डाल के कुछ तो निकाला है, अभी ये मुट्ठी बंद है, अभी मैं आपको बोल रहा हूं मैडम इसके अंदर ऐसा कुछ तो है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके अंदर आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अर्जेंट काम के लिए जा रहा हूं, मैं आपको शाम को मिलूंगा, हम मिलके इसके बारे में बात करेंगे, इतना बोल के मैं निकल गया। अभी आप सोचो आपका दिमाग में क्या चलेगा, फायदा विदा छोड़ो, जब तक मैं मिलूंगा नहीं ना तो मेरा फोन करने की उनको जरूरत नहीं, ये मैडम मेरे को फोन करेंगे दो तीन बार, हो सांगा कहा होता तुम चकड़े, मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट किया ना मैंने। यानी हमेशा एक चीज याद रखो, सस्पेंस क्रिएट करने का है इनविटेशन में ना, सस्पेंस क्रिएट करो, क्योंकि सामने वाले को लगना चाहिए इनको मैं मिलने से मेरा कुछ तो बेनिफिट होने वाला है, लेकिन हम इन्विटेशन ऐसा देते ना तू आली ना माझा चेक निगेल। एक साइड में तो बेचारा अप्लाई ने दे दिया, एक साइड में आप आएंगे तो मेरा चेक निकल जाएगा, मतलब सामने वाला होशियार, पहले उसका थोड़ा सा ऐसा छाती था तो आपका ऐसा बात सुन के ऐसा हो गया, मैं जाने से तुम्हारा चेक आएगा ना, मैं आने वाला ही नहीं। ये होता है सच में यही होता है, रियलिटी है। उसके पीछे का वजह क्या है मालूम है, आप लोग आपके घर पे कुछ भी खरीदी करते हो वो ऐसे शौक से खरीदी करते क्या, उस चीज की आपको जरूरत है इसलिए खरीदी करते हो। यहाँ पे लिखा है देखो, क्रिएट आइडेंटिफाई हिज और हर ड्रीम्स एंड प्रॉब्लम्स, उसका सपने को समझ लो और उसका लाइफ का प्रॉब्लम को समझ लो और उसका सोल्यूशन दे दो, उसका या उसकी। और इंसान ऐसा एक प्राणी है, वो कोई इंसान ऐसा इस दुनिया में है नहीं है उसका जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन आपको प्रॉब्लम को बाहर निकालने के लिए आना चाहिए। अभी इनविटेशन का रूप अलग अलग है, तो इनविटेशन है ना एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो जितना आप समझेंगे उतना आपको अलग अलग तरीके से इन्वाइट करने का मौका मिलेगा। अभी इनविटेशन में अभी प्रॉब्लम को बाहर निकालना है तो सबसे बड़ा समस्या क्या है मालूम है, प्रॉब्लम को बाहर कैसे निकालना, प्रॉब्लम को कैसे बाहर निकालेंगे आप, प्रॉब्लम कैसे बाहर निकाल, अगर समझो आपके आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मुझे सुनना है, आपके अंदर से वो बाहर निकालना है, आपका जवान से उसको सुनना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ अगर मैं इधर खड़े खड़े अगर कोई अगर तमाशा दिखाओ सुनाऊंगा ना, अगर समझो कोई कॉमेडी सुनाऊंगा तो आपको भी आपके लाइफ में कोई कॉमेडी याद आ जाएगा, अरे मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। अगर मैं इधर खड़े खड़े कोई रोने वाली कहानी सुनाऊंगा तो आपका लाइफ का भी कोई रोने वाली कहानी आपको याद आ जाएगा। जैसे बोलते ना जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर के लोग अपने घर पे आते हैं, इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस एजेंट है ना उनका एक दूसरे नाम है, वो क्या है मालूम है आपको, इंश्योरेंस एजेंट का एक दूसरा नाम रहता है, नहीं मालूम है किसी को, नहीं पता है इंश्योरेंस एजेंट का दूसरा नाम है मौत की सौदागर, वही है ना, आपको बिठाएगा और आपको आपका घर पे बैठ के आपका चाय पिएगा और आपका पैसा लेगा और आपको मार के आपका पैसा लेके जाएगा। यानी आपको बता रहा क्या आप ना रहने के बाद में आपका परिवार को हमारा कंपनी इतना देगा, बराबर ना, वो इनडायरेक्टली बोलेगा, डायरेक्टली बोलेगा नहीं, डायरेक्टली बोलेगा तो आप घर पे नहीं लेंगे उसको, इनडायरेक्टली बोलता है। तो उस प्रकार से आपको भी सामने वाले का प्रॉब्लम को बाहर निकालने के लिए आपका प्रॉब्लम से शुरू करना है।
इनविटेशन ही वेरी सिंपल बातें हैं इसमें, है ना, इसमें बहुत सारे चीज़ें हम बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के, आपका जो बोलते हैं ना आपके साथ में उनका कनेक्शन कितना है, कितना आप जैसे बोलते ना आपका और उनका रिलेशन कितना बॉन्डिंग है, उस हिसाब से कुछ लोगों को आप जबरदस्ती भी इन्विटेशन दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिलेशन रहते ना तुला माजा संगति है अच्छे मंजे ये अच्छे, ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को डायरेक्ट बुला सकते हैं आप। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका प्रॉब्लम को आप बाहर निकालो और उसकी बात में उनको बुलाओ। आजकल तो बहुत बड़ा समस्या है लोगों का, कोरोना की वजह से कितने लोगों का प्रॉब्लम हो गया, कितने लोगों का नौकरी चला गया, और उनको बुलाने के लिए आसान तरीका है ना सामने जाके रोने का, तुला महती ना मी पन काम आला होती, मेरा भी काम चला गया। अगर ये बोलेगा तो सामने वाली भी सोचेगी अरे मैं क्या बोलूँ, मैं भी बोलने वाली थी, मेरा भी ऐसे हाल है। इतना सुना ना उसको ये बोलने का, क्या बोलने का, अरे यार मेरे एक दोस्त है उसको मैंने बात किया, उसने बोला कुछ तो काम है उसके पास, उसने मेरे को शनिवार को बुलाया, तो एक काम करते हैं हम दोनों साथ में जाके आते, मैंने ये बोला ही नहीं मैंने बिजनेस की शुरुआत किया। इनडायरेक्टली उसको आपको अपलाइन तक लेके जाना था, बहाना कुछ भी बना लो ना। इनविटेशन का मतलब इनविटेशन है, और इनविटेशन में सब नाच का ना दिखाने का नहीं है, शॉर्ट में देने का, दो मिनट में आपका इनविटेशन खत्म होना चाहिए।